हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है खुशबू और हिंग कोच में हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू बहुत ही आसानी से। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक इज़ वेरी कॉमन येट क्वाइट अनकॉमन। एक छोटा सा सवाल है, आप द एप्पल बोलते हैं या दी एप्पल बोलते हैं, या फिर आप द अम्ब्रेला बोलते हैं या दी अम्ब्रेला बोलते हैं। कन्फ्यूजन हुई ना। इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन शब्द है टी एच ई, जिसे कुछ लोग द प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग वी प्रोनाउंस करते हैं। इनमें से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, यही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दी या फिर द। लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों टी एच ई इस शब्द का प्रोनंसिएशन द किया जाएगा या दी किया जाएगा, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। नंबर वन, जब भी इंग्लिश में कोई शब्द वावल से स्टार्ट हो और उसका पहला स्वर भी वावल साउंड हो, तो वहाँ पर टी एच ई का प्रोनंसिएशन किया जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल दी एप्पल, दी ओनली वन, The owl। आपने देखा यहाँ शब्द का फर्स्ट अल्फाबेट भी वावल है और उसको बोलते टाइम पहला जो स्वर है वो वावल साउंड है। The apple, the owl, the only one। एक और माइन्यूट सी चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, जब भी हम the apple बोलते हैं तो the apple के बीच में हम एक y, y का साउंड आता है, राइट? तो ये भी एक पहचान है कि जब भी आप वावल साउंड वाले वर्ड्स को बोलें तो आपको ये वाई साउंड, ये य का साउंड ज़रूर लेकर आना है। कैसे बोलना है, दी एप्पल, आप द एप्पल नहीं बोलेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दी एप्पल। ओके लेट्स मूव ऑन। वेल अगर वावल साउंड या फिर वावल अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले हम जी बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट्स यानी कि वावल्स को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हैं जिनमें ना तो वावल का साउंड आता है ना ही वावल का यूज़ किया जाता है, उनके सामने हम टी एच ई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम बोलेंगे द। ओके फॉर एग्जाम्पल द कार्स, द ट्रीज, द क्लास, द टीचर, द स्टूडेंट्स, द वीडियो, इन सभी शब्दों में हमने कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल किया तो हमने टी एच ई को क्या प्रोनाउंस किया, द। यहाँ पर आप दी क्लास, दी स्टूडेंट्स, दी टीचर अगर बोलते हैं तो ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। देयर इज अ लिटिल बिट एक्सेप्शन टू दीज रूल्स। इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अल्फाबेट वावल होता है लेकिन वो वावल साउंड से शुरू नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होता है बट वो वावल साउंड से शुरू होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, आपको ऐसे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, हमें ध्यान देना है वावल साउंड पर। जहाँ पर वावल साउंड आता है वहाँ पर जी का इस्तेमाल करें और जहाँ पर वावल साउंड नहीं है वहाँ पर द का इस्तेमाल करें। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल The honor, the hour, the university। देखा आपने, दोनों ही शब्द, दोनों ही चीज़ें एक्सेप्शन है लेकिन हमने ध्यान दिया है वावल साउंड पर और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया हमें दी बोलना है या फिर द। सिंपल एज इट इज। सो दोस्तों बॉटम रूल इज दैट कि जब भी इंग्लिश में किसी वर्ड का बिगिनिंग साउंड वावल साउंड हो तो वहाँ पर आप दी बोलते हैं, और जहाँ पर बिगिनिंग साउंड वावल साउंड नहीं हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वहाँ पर आप द बोलते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, द पर्सन हु कॉल्ड द एम्बुलेंस, द पार्टी इज ओनली फॉर द एम्प्लॉइज, The answer to the question is no। So ये था सिंपल सा सोल्यूशन दी और द के बीच के कन्फ्यूजन का।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. देर आर सम बेसिक थिंग्स जो इंग्लिश में हम गलत करते हैं और इस वीडियो के थ्रू हमने वो एक चीज़ आज करेक्ट कर ली. वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.